एक हदीस सुनाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबे मिंबर पर चढ़े, पहली सीढ़ी पर चढ़े तो कहा आमीन, दूसरी सीढ़ी पर चढ़े तो कहे आमीन, तीसरी सीढ़ी पर चढ़े तो कहा आमीन। एक नई बात थी, सहाबा को ताज्जुब हुआ कि अल्लाह के रसूल आप कभी तो ऐसे नहीं बोलते थे, आज तीन मरतबे आप आमीन बोले। कहा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर कहा वो बंदा तबाह बर्बाद हो गया जो कि अपने माँ बाप को या उनमें से किसी एक को पाया, बुढ़ापे की हालत में पाया, कैसे भी पाया, जन्नत नहीं गया, माँ बाप की खिदमत करता, उनकी दुआ लेता, जन्नत को जाता, माँ बाप की खिदमत नहीं किया, उनकी दुआ नहीं किया, जन्नत को नहीं गया, बर्बाद हो। दूसरा आदमी वो बर्बाद हुआ, रमजान का महीना आया, कुछ नहीं, जैसे था वैसा, ना रोजा है ना नमाज है, धोखा नहीं छोड़ता, झूठ नहीं छोड़ता, लोगों को सताना ही नहीं छोड़ता, बीवी शौहर को सताती, शौहर बीवी को सताता, बाप बेटे को सताता, बेटा बाप को सताता, पड़ोसी पड़ोसी को सताता, टीवी देखता, इधर उधर नजरें जा, क्या भी फर्क नहीं, क्या फर्क हुआ? जो आदमी का रमजान पाया और अपने गुनाहों को माफ नहीं करा लिया, ऐसे आदमी भी तबाह बर्बाद हो गया। कहानी तीसरी मरतबे जो आमीन का आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, जिसके सामने आपका नाम लिया गया मोहम्मद, जरूर नहीं पड़ा, इसलिए अल्लाह के रसूल का नाम सुनते हैं दर्स वगैरह में आमीन बोलते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद बोलते हैं। अब जुमे के खुतबे में भी बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते क्या, वो दूसरी बात है, लेकिन अल्लाह के रसूल का नाम जब भी एहतराम दिल में आना, एक इज्जत आना, हमारे प्यारे नबी का नाम, जो आदमी जरूर नहीं पढ़ता आपका नाम सुनकर भी वो भी बर्बाद हुआ। आमीन, देखिए कितना है।